हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नर्सिंग चैनल हम पर स्वागत है, जहां हम हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बातें करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमें कितना वेट गेन करना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो प्रेगनेंसी हो गया तो चलो हमें बहुत ज़्यादा इंटेक करना है तभी हमारे बेबी के लिए अच्छा होगा। कई लोग ये बोलते हैं कि आपके पेट में एक और बच्चा है तो दो लोग के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। कई लोग प्रेगनेंसी को एक एक्सक्यूज समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमें एक्स्ट्रा खाने का मौका मिल गया, पर ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मिथ हैं। प्रेगनेंसी में एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ वेट ही हमें गेन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना सही है और कितना वेट गेन करने को हम ओवरवेट कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना करना चाहिए और कितना वेट गेन करना नॉर्मल माना जाता है, कितना वेट गेन करना ओवरवेट माना जाता है और कितना वेट गेन करने को ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। सो प्रेगनेंसी में वेट गेन आपको कितना करना है, ये आपको सबसे पहले जानने के लिए आपको अपना बीएमआई पता करना होगा। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है आपके शरीर में फैट कितना है, उसके मेजरमेंट को जानना। अब इसे हम कैसे जानते हैं, आपके हाइट और वेट को पता करके। तो आप पूछेंगे कि अब हम अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उस लिंक में क्लिक कीजिए और अपने हाइट और वेट को मेजर करके उसमें डालिए तो आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जब मैं इस वीडियो में बात करूंगी तो आगे की वीडियो जो है पूरी बीएमआई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके। तो अगर आपको अपना बीएमआई पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपको कितना वेट गेन करना है, क्योंकि मैं आगे की वीडियो में एक चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपको कितना वेट गेन बीएमआई के अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस चार्ट को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अंडरवेट, अंडरवेट मतलब आप नॉर्मल वेट से थोड़े कम हैं। नॉर्मल वेट यानी कि आपका वेट नॉर्मल है। ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब नॉर्मल वेट से थोड़े आप ज़्यादा वेट में आते हैं। और चौथा है ओबेस, ओबेस मतलब आपको ज़्यादा ही मोटापा है। तो आपको इस कैटेगरी के अनुसार देखना है कि आपका वेट किस एरिया में फॉल होता है। तो सबसे पहले आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है। बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है तो मतलब कि आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं और आप 12 से 18 केजी वेट गेन कर सकते हैं पूरे 9 महीने में। लास्ट का जो कॉलम है मैंने इसमें वेट गेन इन पाउंड्स भी डाला है। अगर आपको केजी नहीं सही समझ आता, आप पाउंड्स में अपना वेट देखना चाहते हैं तो आप लास्ट कॉलम में भी रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका वेट गेन पाउंड्स में कितना होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे जो कि नॉर्मल वेट है। नॉर्मल वेट का मतलब बीएमआई आपका 18.5 से 24.9 के बीच में आता है, तब आप 11 से 15 केजी वेट गेन कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब बीएमआई 25.0 से 29.9 के बीच में आता है, तब आप 6 से 11 केजी गेन कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है ओबेस। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपका बीएमआई जो है 30.0 या 30.0 से ज़्यादा आएगा, तब आपको 5 से 9 केजी ही वेट गेन करना है पूरे प्रेगनेंसी के अंतराल में। तो आपको इस चार्ट के अनुसार ये कंपेयर करना है कि आपकी वेट किस कैटेगरी में आती है और उस कैटेगरी के अनुसार आपको देखना है कि आपको कितना वेट गेन करना है। अभी जो आपने चार्ट देखा, ये चार्ट आपको तब फॉलो करना है जब आप सिंगल बेबी कैरी कर रहे हैं, यानी कि आपके यूट्रस में सिर्फ एक ही बेबी है, तब आपको ये चार्ट फॉलो करना है। अगर आप ट्विंस बेबी को कैरी कर रहे हैं तब आपका वेट चार्ट डिफरेंट होगा, आपकी वेट गेन थोड़ी और ज़्यादा होगी। पर कितनी वेट गेन होनी चाहिए उसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाकर डिटेल देख लीजिएगा कि आपको
ट्विंस बेबी जब होंगे तो आपकी बीएमआई के अनुसार कितना आपको वेट गेन करना चाहिए, इसी चार कैटेगरी में हम बात करेंगे, अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबेस कैटेगरी। तो आप उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी आपका वेट जो है नॉर्मल से कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, और नॉर्मल से ज्यादा यानी कि ओवरवेट हो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपका वेट प्रेगनेंसी में नॉर्मल से कम है यानी कि अंडरवेट है और आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा बहुत कम खाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा मोटापा नहीं होगा, वही तो होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत कम खा रहे हैं तो आपके बच्चे को जरूरत का पोषण नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, आपको छोटे बेबी होने के चांसेस, यानी कि स्मॉल फॉर डेड बेबी, डेड के अनुसार बेबी का वेट स्मॉल होना, कम होना, उसे बोलते हैं स्मॉल फॉर डेड बेबी। तो आपका बेबी का साइज थोड़ा छोटा होगा, छोटे साइज का बेबी होगा तो उसमें सब चीज डिलेट भी होगा, फीडिंग वो ठीक से नहीं ले पाएगा, जब ठीक से पोषण नहीं ले पाएगा तो हमेशा उसको बीमारी भी होगी, हमेशा बीमारी होती रहेगी तो बच्चे का ग्रोथ भी उसके एज के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो ये सारी तकलीफें होती हैं अगर आप जरूरत के हिसाब से खाना ना खाएं और आप अंडरवेट हो जाते हैं तब। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वेट नॉर्मल से ज्यादा हो तब क्या हो। तब आप सोचेंगे अरे नॉर्मल से ज्यादा है वो तो अच्छी बात है, क्या होगा जरूरत से ज्यादा, हम थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस यही तो होगा, बट ऐसा नहीं। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपका बेबी का साइज भी जरूरत से ज्यादा होगा, और जरूरत से ज्यादा अगर वेट होगा तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बेबी का साइज अगर बड़ा होगा तो वेजाइना के थ्रू डिलीवरी नहीं हो पाएगी, यानी कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होना, नॉर्मल नहीं होगा तो फिर सिजेरियन किया जाएगा यानी कि ऑपरेशन किया जाएगा, और ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है उसकी तकलीफें अपनी अलग होती है। इसके अलावा आप ज़्यादा खाएंगे तो आप खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और आपको भी प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो जो है आपके बच्चे को भी अफेक्ट करेगा, जो कि फ्यूचर में आपके बच्चे को भी मोटापे का शिकार करा सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ज़रूरत से कम भी नहीं खाना चाहिए, एक नॉर्मल वेट कैटेगरी को फॉलो करना है, नॉर्मल डाइट फॉलो करना है, ताकि हम खुद भी हेल्दी रह सके और बच्चे को भी हेल्दी रख सके। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम नॉर्मल वेट ट्रैक में आ सके और अपने बच्चे को भी हेल्दी रख सके और खुद को भी हेल्दी रख सके। आइए हम देखते हैं उसे एक एक कर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है ये पता करना है। कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको एक दिन में नॉर्मली कितना खाना चाहिए अपने वेट के अनुसार ये पता करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले, आप चाहे नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हो, अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं या ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिले या डाइटिशियन से मिले, उनसे बात करके आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट पता करें। उसके बाद उनसे पूछकर ये पता कीजिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कितना और एक्स्ट्रा कैलोरी खाने की ज़रूरत है। जनरली अगर आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर कहते हैं 2000 है, तो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लस 300 कैलोरी रिक्वायरमेंट खाना काफ़ी होता है, मतलब 300 कैलोरी और आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, हर इंसान के बॉडी के हिसाब से उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो आपको पहले उसको कैलकुलेट कराना है, कैलकुलेट करा के उस हिसाब से ही आपको खाना है। अब आपने पहले तो अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट पता कर लिया, अब आपने ये भी पता कर लिया आपको कितना एक्स्ट्रा कैलोरी खाना है। अब आपको क्या करना है, डेली अपना वेट को रिकॉर्ड करना है कि आप सही चीज़ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका वेट एक दिन कुछ दिन ज़्यादा हो गया या ज़रूरत से कम है तो आप उस हिसाब से अपने इनटेक को में कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने आप को ट्रैक पे रख सकते हैं और आपके ओवरवेट या अंडरवेट होने की चांसेस कम हो जाएगी और आप अपने आप को नॉर्मल ट्रैक पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
जो भी आप खाते हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ज्यादा प्रोटीन खा लिए या ज्यादा ज्यादा कार्ब्स खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बैलेंस डाइट खाने की जरूरत है जिसमें आपको होल ग्रेन्स यानी कि चावल, दाल, क्या रोटी, ये सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। प्लस आप वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा खाएं, फ्रूट्स ज्यादा खाएं, और फिर जो है आप लो फैट मिल्क या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जिसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स बोलने से मिल्क ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है फैटी फूड्स को अवॉइड करना, जो बहुत ज़्यादा तले भुने जो खाने होते हैं, उस टाइप के जो स्नैक्स होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपका वेट ट्रैक बिगड़ सकता है। तो आपको ये टिप भी फॉलो करना है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है। सबसे सेफेस्ट फिजिकल एक्टिविटी है वॉक। कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स वॉक करें और इवनिंग में भी 30 मिनट्स वॉक करें। इससे क्या होगा कि आपका शरीर भी थोड़ा फुर्तीला रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा, प्लस प्रेगनेंसी में जो वेट गेन के जो चांसेस है वो भी आपके कम हो जाएंगे। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख पाएंगे, फिजिकली हेल्दी रख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको वेट गेन में, आपको नॉर्मल वेट गेन करने में हेल्प करेंगे, जिससे आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, तब तक आप हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।